हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सोहन सर, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं इस फोन की परफॉर्मेंस के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आज हम उसी फोन की परफॉर्मेंस जानेंगे और जानेंगे इसके फीचर्स। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके बॉक्स पर नजर डालते हैं तो आपको यहाँ पर रियलमी का GT Neo 3 लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम इसको बॉक्स को देखें साइड से तो यहाँ पर भी रियलमी की ब्रांडिंग है और यहाँ पर जो है कुछ मेन जो फीचर्स हैं वो हाईलाइट फीचर्स हैं वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा ये 5G फोन है जो कि रियलमी ने अभी अभी लेटेस्ट ही लॉन्च किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम इसकी जो स्ट्रैप लगी है इसको हटाते हैं। तो सीलिंग होने के बाद में, कटने के बाद में दोस्तों हमारा ये जो है बॉक्स ओपन होता है। दोस्तों, ये फोन जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया और ऊपर ही जैसे हम खोलते थे इसके बाद में इसमें से कुछ ये सेफ्टी गाइड्स निकल के आती है और ये इसकी प्रोटेक्शन के लिए ऊपर से रखा हुआ दिखता है। इसको हटाने के बाद में ये हमारी रखी हुई हमारे रूम दिख जाती है हमारी ये प्यारी सी डिवाइस। तो अब हम इसके बाद अपने डिवाइस को ही निकालते हैं। तो दोस्तों, ये आ चुकी है हमारी डिवाइस रियलमी का GT Neo 3। दोस्तों, ये मैंने जो इसका व्हाइट कलर जो मंगवाया था, व्हाइट विद ब्लैक स्ट्रैप के साथ में। दोस्तों, इसके बाद इसको हम हटाते हैं तो इसकी जो है जो पैकिंग जो है मुझे काफ़ी पसंद आई है। कितने शानदार तरीके से यहाँ पे फोन को पूरा पैक किया गया है। ये इसके बाद में निकल के आता है केस और यहाँ पर ये निकल के आता है सुपर डार्ट 80W का फास्ट चार्जर। तो दोस्तों, ये 80W के फास्ट चार्जर के साथ आता है। तो इसके बाद में यहाँ पर आपको रखी हुई मिल जाती है डेटा केबल जिससे आप अपने फोन को चार्ज कर पाएंगे और इसके अलावा आपको मिलती है सिम एडाप्टर 2। दोस्तों, मेरे पास है रियलमी का GT Neo 3 जो कि जो है व्हाइट कलर में है और विद ब्लैक स्ट्रैप के साथ में। इसकी जो ब्लैक स्ट्रैप है जो मुझे देखने पे ऐसे लगता है जैसे कि आपने मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा देखी होगी तो उस पर जिस प्रकार से जो ब्लैक स्ट्रैप्स पड़ी उसी तरीके से देखकर मुझे इसकी ब्लैक स्ट्रैप्स का जो है याद आ गया है। यहाँ पर रियलमी की ब्रांडिंग भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रंट की तरफ देखें तो आपको 6.7 इंच का जो है एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है और ये आपको जो फ्रंट पे जो है ये आपको जो है 16 मेगापिक्सल का जो आपको फ्रंट पे कैमरा है और अगर बैक के कैमरा की बात की जाए तो बैक में आपको 15+8+2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अगर इसकी बैटरी बैकअप की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है जिसका रियलमी दावा करता है कि इसके 80W के फास्ट चार्जर के साथ आप 30 मिनट में पूरा चार्ज कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर इसके प्रोसेसर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मीडिया टेक का डिमेंसिटी का 8100 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी दमदार प्रोसेसर है। ये मैंने अभी रियलमी का फोन अभी जो है जो रेडमी का फोन आया था 60,000 का उसमें मैंने इसको इसी प्रोसेसर पर इसकी को देखा था। तो दोस्तों, परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही जबरदस्त दमदार होने वाला है फोन, नो डाउट। और इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं ये एंड्रॉयड 12 पे बेस्ड है यानी कि ये एंड्रॉयड 12 पे रन करता है। फोन को मैंने स्टार्ट कर दिया है, फोन जब तक स्टार्ट होता है जब तक मैं आपको इसके और सारे जो फीचर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसके बेंचमार्क स्कोर की बात की जाए इसके प्रोसेसर की तो 8 लाख कुछ समथिंग इसका जो है बेंचमार्क का स्कोर आता है। और तो यहाँ पे आपको ये जो सोनी का IMX766 का जो है बैक कैमरा देखने को मिल जाता है और फ्रंट में जो है आपको सैमसंग का कैमरा देखने को मिलता है। इसकी जो डिस्प्ले है वो 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में आती है दोस्तों। और ये जो डिस्प्ले है ये मैं आपको बता दूं कि इसमें एक खास बात और है, एमोलेड प्लस 120Hz का रिफ्रेश रेट दोनों ही चीजें आपको मिल रही है। दोस्तों, हर्ट्ज में क्या होता है कि जैसे ही आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी डिस्प्ले उतनी ही फास्ट है यानी कि आपकी डिस्प्ले उतनी ही तेजी से काम करेगी। और दोस्तों, जो ब्राइटनेस होती है वो इंडेक्स में आपकी जो है ब्राइटनेस आती है तो इसमें आपको ब्राइटनेस भी लगभग 1200 के लगभग मिलती है और 2440 से आपको 1080 मेगापिक्सल का जो है आपको ब्राइटनेस भी इसमें देखने को मिल जाएगी। फाइनली दोस्तों, हमारा फोन चालू हो चुका है। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो यह आप देख पाएंगे कितना स्लिम और कितना लाइट है यानी आप अगर इसके वेट की बात की जाए तो 186 ग्राम के साथ में ये आता है। और अगर इसके हम फ्रंट की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है तो यानी कि आपको डबल स्टूडियो स्पीकर देखने को मिलते हैं इस फोन में। और यहाँ पे आपको नॉइस कैंसिलेशन का सिस्टम देखने को मिलता है। अगर साइड की बात की जाए तो यहाँ पर पावर लॉक अनलॉक कीज दी गई है और अगर इस तरफ देखी जाए तो यहाँ पर आपको पावर बटन मिल जाता है। और अगर नीचे की तरफ देखें
तो यहाँ पे आपको स्पीकर एक और मिल जाता है, साथ में चार्जिंग स्लॉट मिलता है और यहाँ पे सिम ट्रे इजेक्टर टूल है, यानी कि रियल मी X3 सुपर जूम की तरह ही इसका ये साइड का जो है पूरा सिस्टम बना हुआ है दोस्तों। लेकिन इसमें एक एडिशनल फीचर वो है, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो फिंगरप्रिंट है वो इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, यानी कि इसमें साइड में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं दिया गया, इसमें डिस्प्ले के अंदर ही आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है दोस्तों। और ये जो है 5G फोन है और इसके अगर मार्केट में प्राइस रेंज की बात की जाए तो ये मार्केट में 38,000 रुपीज में लॉन्च हुआ है दोस्तों। और दोस्तों इसकी जो प्रोटेक्शन के लिए डिस्प्ले पे है वो आपको यहाँ पे गोरिल्ला 5 का जो है ग्लास देखने को मिलता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है, यानी कि अगर आपका फोन कहीं गिर जाता है धोखे में तो आपकी ये डिस्प्ले को ये बचा के रखेगा, प्रोटेक्शन रखेगा आपके फोन की। और आपको यहाँ पे रियलमी कहता है कि आपको ऑन जो अब रियलमी का जो है ये एंड्रॉयड 12 बीट पे तो बेस चल ही रहा है, जब एंड्रॉयड 13 एंड्रॉयड 14 भी आएगा तो उसका भी अपडेट आपको रियलमी की तरफ से मिलेगा दोस्तों। एक बार इसका डिस्प्ले का टेस्ट कर लिया, एक बार डिस्प्ले टेस्ट तो बनता ही है। तो अगर इसकी डिस्प्ले बाई बात की जाए तो इसकी आप डिस्प्ले देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितना दमदार परफॉर्मेंस है। तो दोस्तों इसका डिस्प्ले टेस्ट होने के बाद में आप यहाँ पे इसका कैमरा टेस्ट बचा है, तो दोस्तों आप कर लेते हैं इसका कैमरा टेस्ट। पहले तो हम देखेंगे फ्रंट से इसकी सेल्फियाँ कैसी आती है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सेल्फी के जो है जो मैंने खींची हुई है वो आपको कुछ सेल्फियाँ दिखा देता हूँ, और फिर इसकी कुछ बैक कैमरा से भी ली गई जो कुछ फोटो हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आप इससे ही फोन डिसाइड कर पाएंगे कि इसका जो कैमरा है वो किस हिसाब से कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है दोस्तों। वैसे मार्केट में 38,000 रुपीज़ की जो है प्राइस रेंज में मार्केट में लॉन्च दोस्तों यार 38,000 रुपीस में मार्केट में लॉन्च हुआ है प्राइस रेंज में, तो दोस्तों इस हिसाब से मुझे इसके जो प्राइस रेंज है कुछ ज़्यादा नहीं लगी है, इस हिसाब से इसने काफ़ी अच्छा काम किया है। अगर आप देखें तो अन्य फोनों की अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे OnePlus 10R में तो आपको उससे अच्छा प्रोसेसर यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और अगर कैमरा वाइज बात की जाए तो आपको यहाँ पे कैमरा का परफॉर्मेंस भी अच्छा मिल रहा है दोस्तों। अगर आप इस फोन को खरीदने के लिए मन हो रहा है तो गो फॉर इट, आप जो है आग बंद करके जा सकते हैं। मुझे तो इस फोन का जो है पूरा कंपैरिजन करके बहुत ही रिव्यू करके बहुत ही ज़्यादा मजा आया। अगर आपको फिर भी इस फोन से कोई डाउट या कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।